नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। आवर स्पोर्ट्स कंटेंट इज प्योर एज 24 कैरेट गोल्ड। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। योर सपोर्ट विल हेल्प अस इन डूइंग बेटर। थैंक यू। दिल्ली कैपिटल्स ने कल देर रात खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हरा दिया। चेन्नई की ये तीसरे मैच में दूसरी शिकस्त थी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने लीग में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए कहा और कैपिटल्स ने धीमी लेकिन ठोस शुरुआत की। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़े। शिखर ने 27 गेंद पर 35 रन बनाए, जबकि पृथ्वी शॉ ने 43 गेंद पर 63 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 37 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 26 रन बनाए। कैपिटल ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन बनाए। चेन्नई के लिए पीयूष चावला को 2 विकेट मिले। चेन्नई को मैच जीतने के लिए 176 रन बनाने थे, लेकिन उसकी शुरुआत खराब रही और पहले 3 विकेट सिर्फ 34 के स्कोर पर आउट हो गए। मुरली विजय 10, वॉटसन 14 और ऋतुराज गायकवाड़ 5 रन बनाकर चलते बने। डुप्लेसी और जाधव ने चौथे विकेट के लिए 54 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद केदार जाधव भी आउट हो गए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 6 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए और 15 रन बनाकर चलते बने। मैच में कैपिटल्स के बोलर्स ने प्रभावित किया। रबादा ने 3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि नोखिया ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिए। इस समय हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा मौजूद हैं। अशोक जी, चेन्नई सुपर किंग्स की एक और हार, और न सिर्फ हार बल्कि जो हार का तरीका है वो बहुत उम्मीदें नहीं जगाता है आगे के सफर के लिए। या बिल्कुल, बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन जहां तक चेन्नई सुपर किंग्स का सवाल। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी दुकान में माल ही नहीं, क्योंकि रायडू के चोटिल होने के बाद, रायना के जाने के बाद, उनके ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑप्शन में अपना मध्यक्रम में कोई भी खिलाड़ी उन्होंने नहीं चुना। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, उनके पास बेंच पे ऐसे ऐसे खिलाड़ी बैठे और इनके पास कोई खिलाड़ी नहीं। आप चाहे मुरली विजय की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, ये ऐसे खिलाड़ी दिखाई नहीं देते जो खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते। और धोनी का जिद करके 6 या 7 पर आना, मेरे को ऐसा लगता है कि काफी बड़ा छेद उनकी, और अगर मैं कहूं कि उनकी किश्ती में इतने छेद हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि बल्लेबाजी छोड़ दीजिए, गेंदबाजी भी जडेजा और पीयूष चावला के बस की बात दिखाई नहीं देती। जिस गति से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जो और कहीं ना कहीं गेंदबाजी, बल्लेबाजी सब कुछ मिलकर इस अभी तक चेन्नई सुपर किंग बहुत साधारण दिखाई दे। बिल्कुल, अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के पहले मैच के परफॉर्मेंस को देखें तो मुझे लगता है कि चेन्नई का परफॉर्मेंस तकरीबन उसके आसपास का था। धोनी का लगातार नीचे आना बैटिंग ऑर्डर में ये समझ से परे है, और खास तौर से दिल्ली की जो बॉलिंग है वो गजब की बॉलिंग थी। काफी किफायती गेंदबाजी की है, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे रबादा हो, सबने। जी बिल्कुल, और उनके पास बेंच स्ट्रेंथ कैसी है? आप देखिए, रबाडा एक तरफ से गेंदबाजी कर रहा है, दूसरे तरफ इतनी ही गति से नॉर्थ से गेंदबाजी कर रहे हैं, और फिर अश्विन नहीं है, उसको उसकी पूरी भरपाई की है अमित मिश्रा, कमाल की गेंदबाजी की, 150 विकेट लेके बैठे हुए हैं, और फिर अक्षर पटेल ने जिस तरह की गेंदबाजी की है। अभी भी अगर विकल्प है उनके पास कि अगर एक तेज गेंदबाज की बजाय आप मिश्रा और अश्विन जब फिट होते हैं तो 3 स्पिनर के साथ आप उतर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नॉर्डे और रबाडा, और फिर अगर तीसरे मीडियम पेस की जरूरत पड़े तो टॉयनेस भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो उनके पास काफी विकल्प, सर्वगुण संपन्न टीम दिखाई देती है, मजबूत बल्लेबाजी, मजबूत गेंदबाजी, और मेरे को ऐसा लगता है कि काफी प्रबल दावेदार दिखाई दे रही है इस बार आईपीएल चैंपियनशिप। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज अबुधाबी में मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमों ने लीग में 1-1 मैच खेला है और दोनों को पहली जीत की तलाश है। कोलकाता एक तरफा मुकाबले में मुंबई इंडियंस से हारा, तो हैदराबाद की टीम बेंगलोर से जीतते जीतते हार गई। दोनों के पास इस मैच को जीत कर आगे बढ़ने का मौका है। एक रिपोर्ट नीति रावत से।
मुंबई इंडियंस से मिली हार ने कोलकाता की कमियों को उजागर कर दिया था। कोलकाता की टीम जिस तरह से हारी थी वो सचमुच चिंताजनक था, क्योंकि उन्होंने संघर्ष की कोई चाहत ही नहीं दिखाई। दूसरी ओर हैदराबाद सनराइजर्स ने मुकाबले को हाथ से पकड़कर जाने दिया। हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ अपने 8 विकेट सिर्फ 32 रन जोड़कर गंवा दिए। 121 पर जिस टीम ने सिर्फ 2 विकेट गंवाए हो वो 153 पर ऑल आउट हो जाए तो मामला समझ से परे है। यानी दोनों टीम पिछले मुकाबले में कमजोर साबित हुई हैं और आज के मुकाबले में दोनों के पास मौका होगा कि वो अपनी गलतियों से सबक ले ताकि लीग का आगे का सफर बेहतर कर सके। हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी में टॉप हेवी टीम है, यानी जो भी दम है वो शुरू में ही है। डेविड वार्नर, जोनी बेरिस्टो और मनीष पांडे के बाद बल्लेबाजी का ढलान शुरू हो जाता है। प्रियम गर्ग, अभिषेक शर्मा में बहुत स्पार्क नहीं दिखाई दिया। प्रियम गर्ग क्या अपने प्राइस टैग को भी जस्टिफाई कर पाएंगे ये देखना होगा। तेज गेंदबाजी के खिलाफ बड़े हिट लगाने में वो कितने कामयाब होंगे ये भी देखना होगा। अब्दुल समद जैसा बिग हिटर टीम में है और शहबाज नदीम, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल के ऑप्शंस भी टीम के पास मौजूद है। ऐसे में एक बेहतर और संतुलित टीम ही लीग में सफर को आगे ले जा सकती है। मिशेल मार्श ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह मोहम्मद नबी को शामिल किया जा सकता है। इसी तरह केन विलियमसन भी बल्लेबाजी के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर केकेआर ने पिछले मैच में सचमुच निराश किया। सलामी जोड़ी इस टीम के लिए एक समस्या हो सकती है। क्रिस लिन के बाद शुभमन गिल पर ज्यादा ही जिम्मेदारी है। सुनील नरेन हिट एंड मिस खिलाड़ी हैं और अगर शुरू में ही वो आउट हो गए तो टीम पर दबाव बढ़ना लाजमी है। आंद्रे रसल, ओयन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक का बैटिंग ऑर्डर भी सेट करना होगा। कार्तिक से पारी शुरू कराने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। इसी तरह देखना यह भी होगा कि टीम अपने स्पिन विकल्पों और पैट कमिंस का इस्तेमाल किस तरह कर पाती है। कुल मिलाकर दोनों ही टीम्स के पास आज मौका होगा कि वो इस मैच को जीतकर अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को रीगेन करे। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ मैं नीति रावत। और अब आज खेले जाने वाले इस मैच के दिलचस्प स्टैट्स के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। आज के मैच में दो बल्लेबाजों पर सबकी निगाहें इसलिए लगे रहेंगे क्योंकि ये दोनों आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के मामले में टॉप 8 में शामिल हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसेल का स्ट्राइक रेट 185.17 है जो किसी भी बल्लेबाज से ज़्यादा है। दूसरी ओर हैदराबाद के जॉनी वेरस्टो 8वें नंबर पर हैं, उनका स्ट्राइक रेट 155.21 है। मैच के दौरान आंद्रे रसेल आईपीएल में अपने 1500 रन पूरे कर सकते हैं, फिलहाल उनके नाम 1411 रन है। सनराइजर्स हैदराबाद के संदीप शर्मा 80 मैचों में 95 विकेट ले चुके हैं, उनके 100 विकेट पूरे होने का सबको इंतजार रहेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आपस में अब तक 17 मैच खेल चुके हैं, इसमें कोलकाता ने 10 और हैदराबाद ने 7 मैच जीते हैं। अबूधाबी में दोनों टीमों के बीच यह पहली भिड़ंत होगी। वैसे इस शहर में कोलकाता 4 में से 3 मैच हार चुका है जबकि हैदराबाद को एकमात्र मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जहां तक दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मैचों में आमने सामने होने का सवाल है, हैदराबाद ने 3 और कोलकाता ने 2 मैच जीते हैं। इसमें 2018 का प्लेऑफ मैच भी शामिल है जिसमें हैदराबाद ने 14 रन से जीत दर्ज की थी। पिछले साल दोनों ने एक एक मैच आपस में जीता था। हैदराबाद के डेविड वार्नर ने दोनों ही मैचों में तब हाफ सेंचुरी बनाई थी। दोनों के बीच हुए सबसे आखिरी मैच में हैदराबाद ने अपने ही शहर में कोलकाता को 9 विकेट से मात दी थी। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल 4 अलग अलग देशों में टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। लोकेश राहुल यूएई में शतक लगाने से पहले यूएसए, यूके और भारत में टी20 क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं। लोकेश राहुल ने टी20 करियर में अब तक 133 मैचों की 120 पारियों में कुल 4229 रन बनाए। इन मैचों में उनका एवरेज 43.15 रहा जबकि उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 132 रन है। उनका स्ट्राइक रेट 141 से ज्यादा है। टी20 क्रिकेट में केएल राहुल ने 4 शतक और 33 अर्धशतक लगाए हैं। विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने 57 कैच लिए हैं और 8 स्टंपिंग्स भी की हैं। आरसीबी के खिलाफ 132 रन की पारी से उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वो आईपीएल में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए तो वहीं वो इस लीग में भारतीय बल्लेबाज के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम पर दर्ज करा गए। आईपीएल में केएल राहुल ने
खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर शतक लगाए हैं और ऐसा करने वाले वीरेंद्र सहवाग और डेविड वार्नर के बाद वो तीसरे प्लेयर हैं। राहुल ने पिछले साल भी एक बल्लेबाज के तौर पर नाबाद 100 रन की पारी खेली थी। स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल कल से शुरू होने वाले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स में अपने अभियान का आगाज बुल्गारिया के इगोर गैरोसिमोव के खिलाफ करेंगे। हालांकि रिकॉर्ड 13वें फ्रेंच ओपन पर निकाह लगाए नडाल का इस टूर्नामेंट के फाइनल तक का सफर इस बार आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें इस दौर में कई अच्छे खिलाड़ियों का सामना करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट सुनील तनेजा से। राफेल नडाल के खिलाफ फर्स्ट राउंड में ही अपनी चुनौती पेश करने वाले बुल्गारिया के आइगोर यूएस ओपन के अंतिम आठ में पहुंचे थे, जहां उन्होंने दिग्गज अलेक्जेंडर ज्वेरेव को मुकाबला आसानी से नहीं जीतने दिया था। ड्रॉ को देखकर ऐसा लगता है कि नडाल का सेमीफाइनल मुकाबला पिछले साल के उपविजेता और यूएस ओपन चैंपियन डोमिनिक थियम से हो सकता है। जाहिर है फ्रेंच ओपन में नडाल को बहुत संभल कर शुरुआत की जरूरत है। इसके अलावा वर्ल्ड के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच फर्स्ट राउंड में स्वीडन के मिकाइल यमर का सामना करेंगे। इसके अलावा पूर्व चैंपियन स्टैनिस्लास वावरिंका और ब्रिटिश प्लेयर एंडी मरे पहले दौर में आमने सामने होंगे। रॉजर फेडरर इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। उधर महिला सिंगल्स में अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स का पहले दौर में सामना हम वतन क्रिस्टियाहन से होगा। वर्ल्ड की नंबर एक और 2019 चैंपियन एशले बार्टी ने कोरोना पैंडेमिक का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले फ्रेंच ओपन का आयोजन 24 मई से 7 जून के बीच होना था। कोरोना पैंडेमिक के चलते इसे पोस्टपोन करना पड़ा और अब यह टूर्नामेंट कल से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक रोला गैरों को 3 जोन में बांटा जाएगा और दर्शक भी उसी हिसाब से यहां मौजूद रहेंगे। तीसरे सबसे बड़े कोर्ट पर एक दिन में केवल 1,500 दर्शकों को ही आने की इजाजत होगी। फ्रेंच टेनिस फेडरेशन के मुताबिक कोरोना पीरियड में इंटरनेशनल टेनिस की बहाली के बाद दर्शकों की मौजूदगी में यह पहला टूर्नामेंट होगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए सुनील तनेजा। जाने माने फुटबॉलर इब्राहिमोविच कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इटली की फुटबॉल टीम एसी मिलान ने इब्राहिमोविच के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने को कंफर्म भी कर दिया है। एक दिन पहले डिफेंडर लियो हुआर्ते के टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद मिलान के प्लेयर्स का बुधवार को दोबारा टेस्ट किया गया। एसी मिलान के मुताबिक टीम के बाकी मेंबर्स और सपोर्ट स्टाफ नेगेटिव पाए गए हैं। इब्राहिमोविच को उनके घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। पॉजिटिव पाए जाने के बाद इब्राहिमोविच नॉर्वे की टीम के खिलाफ यूरोपा लीग मैच के अलावा संडे को क्रोटोन के खिलाफ होने वाले सीरीए मुकाबले में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। आज का खेलों में खास का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।